तो ये है न्यू MT-15 2024 मॉडल। अभी दो दिन पहले मैंने इसका डिलीवरी ली है। अब यार 2024 मॉडल है, मैंने ये क्यों खरीदी, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, आपके लिए खरीदनी चाहिए कि नहीं, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और बाइक का लुक आप देखो भाई, लुक्स तो इसके जैसा लुक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। और यही रीज़न है कि लोग ना मतलब इसके दीवाने हैं, इसके फ्रंट प्रोफाइल के लोग दीवाने होते हैं। तो आओ क्विकली दिखा देता हूँ, ये छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा कुछ डिटेल बताऊँगा नहीं क्योंकि अभी नई बाइक है, जैसे जैसे चलेगी ना तो इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आते जाएंगे। अभी एक राइड रिव्यू आएगा, फिर इसमें क्या क्या कमियाँ मुझे फील हुई, हालांकि अभी ही मुझे छोटी छोटी कमियाँ पता चल चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, MT का पहले फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर लो। तो फ्रंट में ऑल LED हेडलाइट्स हैं, अभी इंडिकेटर भी LED में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बताऊँ इनकी जो क्वालिटी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब इतने हार्ड है, ऐसा लगता है कि कोई तेज़ से हाथ मारेगा तो सीधा टूटेंगे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, ये कमी लगी। बाकी पूरा ये जो LED का प्रोफाइल है ना, ये बड़े ही कमाल का लगता है। जो इसके सस्पेंशन है गोल्डन USD है, ये एक बहुत मतलब अपीलिंग चीज़ है इस बाइक के साथ। दूर से खड़ी रहती है ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बाइक आ गई है। ऑरेंज कलर के व्हील है, तो ये ब्लैक कलर के साथ ऑरेंज व्हील बहुत अच्छे लग रहे हैं। राइस के टायर्स मैंने डाले हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही इसके टायर्स को अपग्रेड कर दिए थे। ये देखो राइस की ब्रांडिंग दिखाना एक बार। तो ये टायर्स क्यों डाले, इसके ऊपर वीडियो बनी है, आई बटन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। साइड प्रोफाइलिंग आप चेक करो, साइड का पूरा प्रोफाइल ऐसा है। ये कॉम्पैक्ट नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, मतलब साइज़ में कॉम्पैक्ट है, तो अगर आप थोड़ा सा लाइट वेट बाइक सर्च कर रहे हैं तब भी आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की है। और फीचर्स दिखाओ, तो क्लस्टर आप चेक करो पहले। ये है इसकी चाबी, चाबी यहाँ पे लगती है, तो यहाँ ऐसे कोई चेंजेस नहीं है 2024 मॉडल में। ये है क्लस्टर, सारे फीचर्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है यामा कनेक्ट के साथ, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, क्लॉक भी दिखाता है, है ना। और इसी के साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इंजन मेलफंक्शन का इंडिकेटर है, ABS की लाइट दिखती है, मतलब सारे ही फीचर्स लगते हैं। स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, सब कुछ है। फ़ोन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर SMS भी दिखाता है, कोई कॉल आता है तो उसकी भी नोटिफिकेशन दिखाती है, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो हैंडल बार है देख सकते हो, सिंगल पीस वाला हैंडल बार है, और हैंडल बार जो है ना इनफ वाइडनेस के साथ आता है, तो मतलब आपको सिटी में भी निकलना सही है, कहीं आप क्रूज़ कर रहे हो, हाईवे जा रहे हो, उस टाइम भी सही है। स्विच गैस जो है ना भाई, वो उनकी क्वालिटी मुझे इनिशियली डिसेंट लग रही है। हाँ, लेकिन एक आध चीज़ें यार मतलब बहुत ऑड सी हैं। अभी इतने सारे अपग्रेड आ चुके हैं, बार बार अपग्रेड हो रहा है MT में, लेकिन वो कमी आज भी दिख रही है मुझे। तो आओ पहली कमी दिखाता हूँ, क्लोजली दिखाओ। देखो यहाँ पे क्या फिट एंड फिनिश की इशू है, ये देखो ये पूरा घूम रहा है और ऐसा लग रहा है निकल जाएगा। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप कहीं खड़ी करते हो, कोई अगर आपकी बाइक में छिड़खानी करता है तो सीधा इसको निकाल के फेंक सकता है, है ना। तो ये एक कमी लगी। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, हाँ इसका इस साइड से दिखाना, इसमें ये जो वेल्डिंग है कितनी क्लियर वेल्डिंग दिख रही है यार, मतलब ऐसा लग रहा है इसको कुछ फिनिश दी ही नहीं गई है। यहाँ पे आप देखो ना, क्लियरली नोटिस हो रहा है, दो पार्ट में है, इसको ज्वाइंट करा गया है, और जो वेल्डिंग है कितनी ख़राब दिख रही है, वो भी ऐसी जगह पे वेल्डिंग है कि दूर से ही दिखेगी, ये फिनिश को बिल्कुल ख़राब करता है। तो ये एक कमी लगी। तो यहाँ इनिशियली फिट एंड फिनिश को लेकर प्रॉब्लम है, बाद में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। एक और कमी दिखाओ एक बार, ये जो नंबर प्लेट का लाइट है ना, ये बहुत ही चीप क्वालिटी का है। अभी देखो हिल रहा है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कितनी बार देखा है, लास्ट टाइम जब मेरे को MT कंपनी वालों ने प्रोवाइड करी थी रिव्यू के लिए एक महीने के लिए, तो मतलब कह सकते हो कि 4 से 5 दिन बाद वो ये जो लाइट थी वो टूट गई। क्यों टूट जाती है, कि उतरते टाइम या चढ़ते टाइम पिलियन के पैर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कमी है, मतलब बहुत महंगी तो नहीं है बट हाँ टूट जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना यार, है ना। यहाँ पे एक सिंगल नट पे ये सिंगल स्क्रू पे टिकी हुई है, तो वो एक चीज़ है। पीछे का प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल वाइज तो ज़बरदस्त है, LED वाली टेल लाइट मैंने आपको बताई दी, LED वाले इंडिकेटर हैं, एग्जॉस्ट पाइप देख सकते हो, कार्बन फाइबर कुछ यहाँ पे फिनिश है, टायर प्रोफाइलिंग पीछे 140 सेक्शन के हैं, है ना। टायर्स मैंने अपग्रेड करे ही, डुअल चैनल ABS है देख सकते हो, बड़ा सा डिस्क दिया गया है, है ना। निसिन के कैलिपर्स हैं, यामा का इंजन। अब इंजन की खास बात देखो, यह है कि ये जो इंजन है ना लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, 155 cc का इंजन है, और तकरीबन 18.5 PS की पावर निकालता है, और लगभग 14 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालता है। 6-speed ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो ये इंजन जो है बहुत ही रिलायबल साबित हुआ है, क्योंकि R15 में भी है, इसमें भी है। रिलायबिलिटी के साथ साथ ये इंजन माइलेज बड़ा अच्छा निकालता है, तो मतलब आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, ऐसा बहुत कम बाइक्स के साथ होता है, है ना। 50 से 55 का माइलेज निकालता है। यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं, या कह सकते हैं जो जेंजी लोग हैं, उनको ये पसंद आती है, कि उनके पॉकेट में भी मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, बजट कम होता है उनका, तो है ना, एक बार अपफ्रंट पे करने के बाद उनको माइलेज का जो डेली का खर्च है वहाँ पे अच्छा ये कह सकते हो रिलैक्सेशन देती है।
जनरली आप देखो जितनी भी 150 60 सीसी की जो मोटरसाइकिल है, चाहे अपाची की बात करो, चाहे एनएस 116 सब की बात करो, ये भाई 35 से 40 से ऊपर का माइलेज कभी भी नहीं निकालती। लेकिन इससे मैंने 50 से 55 का माइलेज निकाला है। अब पर्टिकुलरली इससे नहीं निकाला है, मैंने R15 से निकाला है। आपको पता हो मेरे पास R15 भी थी, है ना, 2 साल पहले। बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हाँ, उससे मैंने 50-55 का माइलेज निकाला। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे उस टाइम पे, भैया आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा इतना माइलेज नहीं देती है। लेकिन एक्चुअल में देती है। इसका भी मैं टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करूँगा, तब आपको पता चलेगा। तो अगर आप MT में इंटरेस्टेड हो या किसी बाइक में आप इंटरेस्टेड हो, तो ये चैनल आप फॉलो कर लो। स्पेशली MT से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली, क्योंकि मैं MT परचेस करी है, तो इसमें पूरी PhD करने वाला हूँ। क्या कमी है, कैसी चल रही है, हर कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे करके वीडियोज़ के थ्रू लाता रहूँ। एक वीडियो नहीं आएंगी, पूरी सीरीज़ आएगी MT को लेकर के। तो वो एक चीज़ है। सीट की भी बात कर लेता हूँ। तो इनिशियली अभी मुझे जो राइडर के लिए सीट है वो तो अच्छी लगी, लेकिन भाई पिलियन की सीट बहुत ही बेकार है। स्पेस देखो, राइडर को अच्छा स्पेस है, पिलियन को स्पेस भी नहीं है। और कुशनिंग तो भाई बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। बाकी ये जो पैनल्स हैं इनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, हार्ड प्लास्टिक की हैं, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म में जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनिशियली अभी सब कुछ ओके है। कलर बड़ा ज़बरदस्त है भाई, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ना गोल्डन USD के साथ, ये मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कोई क्वेश्चन हो MT से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।